हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे आलू पैटीज। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आलू पैटीज की फिलिंग बनाने के लिए हमने कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसे गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, हम इसमें डाल देंगे जीरा और इसे क्रैकल होने देंगे। ये मैंने लिया एक प्याज और हरी मिर्च, इसे बारीक काट लिया चॉपर में। इसे हम इसमें डाल के भून लेंगे। बस हम जैसे नॉर्मल आलू की सब्जी बनाते हैं तो वैसे ही बनाना है। हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। हमारा तड़का भून चुका है, इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, एक चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, आप चाहे तो लेमन जूस चामचूर भी डाल सकते हैं। ये मैंने ली हैं 3 बॉइल्ड आलू, इसे रफली मैश कर लिया है, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। हमारी आलू की स्टफिंग बनके तैयार है, हम अपना गैस बंद कर देंगे। उसके लिए मैंने ली है ये पफ पेस्ट्री शीट जो हमने घर पे बनाई है। वैसे तो ये रेडीमेड भी मिलती है, पर हमने बनाई है आलू की सब्जी। अब हम आलू पैटीज बनाएंगे। इसे हम बेल लेंगे और 1/2 सेंटीमीटर थिकर तक बेल लेंगे। इसमें हम रखेंगे थोड़ी सी सब्जी। आप इसमें कुछ भी स्टफिंग कर सकते हो, पनीर की, आलू की, चिकन की, कोई भी पैटीज बना सकते हो। और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके यहाँ कॉर्नर्स में लगा देंगे पानी और इसे इस तरह से चिपका देंगे, दोनों साइड से खुली रहने देंगे। और एक बटर पेपर लगे हुए ट्रे में इसे लगा देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी आलू पैटीज को फिल कर लेंगे। इसे आप इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो, दूसरे तरीके से। यहाँ पे पानी लगाकर इस
से इस तरीके से भी आप इधर से दोनों तरफ से खुला है इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो। पैटीज के ऊपर मिल्क वॉश लगाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दूध। इसमें हम डाल लेंगे आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा हम डाल लेंगे बटर। इसे मैं गरम कर लूँगी ताकि बटर मेल्ट हो जाए, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मिल्क वॉश। ये हमारा मिल्क वॉश। अगर आप एग खाते हो तो आप एग वाइट भी लगा सकते हो। अब हम इसे अपनी पैटीज के ऊपर लगा देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमारी आलू पैटीज बेक हो गई हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से लेयर्ड दिख रही हैं। आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।